मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन धूमधाम से केक काटकर मनाया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि आज हम सब ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन सर्वधर्म संभाव के रूप में मनाया है। मुलायम सिंह जी का क्या सीवा जाओ यार, क्या करेंगे इसमें? आज हमारे नेता इस देश के धरती पुत्र समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का 81वां जन्मदिवस है और हम लोगों ने इस जन्मदिवस को सर्वधर्म संभाव के प्रतीक के रूप में मनाया है, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस देश में ऐसे नेता हैं जो धर्म, जाति और तमाम चीज़ों से परे हैं, और वही कारण है कि धरती पुत्र भी कहलाए। उन्होंने जनमानस की समस्याओं को, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की, सबकी समस्याओं को मुखारबिंदु से रखा है और देश में हमेशा गरीबों की आवाज़ बुलंद की है, किसानों की आवाज़ बुलंद की है। हम नेता आज के दिन अपने नेता का जन्मदिन मना करके ये संदेश देना चाहते हैं कि देश में सभी धर्म और सभी जातियों का, किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का एक ही नेता है जिसका नाम माननीय मुलायम सिंह यादव है, अखिलेश यादव है। हमारे संरक्षक हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी। हम चाहेंगे कि उनकी सरपरस्ती में इस प्रदेश में और इस देश में साम्प्रदायिक ताकतें को उखाड़ फेंकें, और वो ताकतें समाजवादियों की ताकत रही है। अब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार स्थापित हो, इन तमाम भ्रष्ट फासिस्टवादी और समाज ये साम्प्रदायिक ताकतें जो स्थापित हो गई हैं केंद्र में, प्रदेश में, इनको उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे और इस देश में पुनः प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को सत्ता सौंप करके पुनः समाजवादियों की सरकार बनाएंगे। ऐसा आज हमने सब साथियों ने, समाजवादी पार्टी साथियों ने संकल्प लिया। माननीय मुलायम सिंह जी का 81वां जन्मदिन हम लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, और ये जो 81वां जन्मदिन है, इस जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी में एक खुशी की लहर दौड़ रही है, और 81वां जन्मदिन हम लोगों ने नेताजी का जो मनाया है, और ये उत्तर प्रदेश में 2022 की इस 81वें जन्मदिन से सरकार की नींव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और बहुत आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़े बड़े फैसले इस 81वें जन्मदिन के बाद माननीय नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के बड़े नेता लेने वाले हैं, और ये फर्कप्रस्त ताकतों से 2022 में हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्य जो हैं उन्हीं पर पूरी पार्टी काम करेगी, और उसी के आधार पर हम लोग 2022 में चुनाव जीतकर सरकार अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2022